हेलो दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है एक और नए वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग खेलने वाले पोकी मेमो। और तुम लोग ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके देख लेना। और मैंने लास्ट जिम लीडर को हराया था। देखो, मैंने रास्ता को स्किप किया है, मतलब मैं दिखाना नहीं चाहता था तुम लोग को कि मतलब मैं कहाँ कहाँ से आया। मैं ऐसा दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। मैंने शॉर्ट में दिखाने के लिए सोचा, तो चलो चलते हैं। मैं ज़्यादा वो लोचा लपाचा नहीं करता, इसीलिए चलो भाई चैलेंज करते हैं। डायरेक्ट घुसते हैं जिम में, जिम बोलता हूँ लीग में। इलाइट फोर फर्स्ट मेंबर कौन होगा? मेरे को पोकेमोन रखना होगा उस हिसाब से। ये कौन सा टाइप का पोकेमोन रखता है यार, क्या करूँ मैं, कौन सा रखूँ सामने में? चलो सेप्टाइल को रख लेते हैं। सेप्टाइल इस गोट, कुछ होगा तो संभाल लेगा। चलो ब्रो दिखा अपना पोकेमोन। अच्छा ये पोकेमोन, इससे भी मेरे को समझ में नहीं आया कौन सा पोकेमोन चलाता है। चलो ठीक है यार, हराते हैं। मेरे पास इफेक्टिव मूव पड़ा है, सुपर इफेक्टिव, और ये ख़त्म एक बार में हो जाना बस। नहीं हुआ, एक एचपी में बच गया बस। एक एचपी में कैसा बच मेरे को पता नहीं, लेकिन बच गया साला नूब। चलो एक अटैक मारते हैं, खा ले भाई तू, तू भी क्या याद रखेगा। चलो एक तो गया और चार बचे हैं। एफसॉल भाई, एफसॉल है इसके पास। मेरे को लगा था थोड़ा ये रेयर टाइप से है एफसॉल, लेकिन भाई नहीं है। चलो भाई देखते हैं इसको कितना डैमेज पड़ता है। कम ही पड़ा, क्लोज कॉम्बैट ज़्यादा एचपी जाएगा, लेकिन उसका डिफेंस गिर गया है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक अटैक में जाता ही वो, अगर उसका डिफेंस भी नहीं गिरता तो। और यहाँ पर ये भी गया, अब बस तीन पोकेमोन बचे हैं। उसके बाद भाई बल्ले ही बल्ले। अरे यार लोमड़ू भाई, इसका नाम लोमड़ू है, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। तुम लोग भाई फक यार, फक फक पोकेमोन सीरीज, इसका नाम लोमड़ू है। क्या है? लोमड़ू, इसको लोमड़ू बोलना तुम लोग। अब गार्डिवार को बुलाते हैं। चल भाई गार्डिवार कमाल दिखा दे, और स्पीयर। वैसे मेरे पास बहुत से पोकेमोन बचे हैं, अगर ये हार भी जाती है तो कोई मतलब नहीं है। चलो एक और पोकेमोन, ये वैसे मेरा ना फेवरेट पोकेमोन है, मतलब थोड़ा सा तो है यार। चलो अगर मैं ना ग्रोवाइल नहीं मिलता ना मेरे को, तो मैं इसी को लेता, ग्रास टाइप में अच्छा है वैसे। अरे ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, लिवलेट, और इसका खेल ख़त्म, मेरे को पता था। एफसॉल को देखूँ क्या कैसे चलता है। चलो एफसॉल भाई, इसको मैंने क्रिटिकल हिट मारने के लिए रखा है, लेकिन ये क्रिटिकल हिट नहीं मारता है, क्यों नहीं मारता मेरे को पता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है यार, अब क्या ही बोले इसको, ख़त्म एक बार में ये भी। अरे मेरे पास वो है ना फायर टाइप पोकेमोन, अरे यार भाई मैं भी ना भूल जाता हूँ यार बार बार। चलो अब मरने वाला है बस, ये मरने वाला है, तब बुला रहा हूँ इसको ब्लेजिकन को, मेरे को पहले बुलाना चाहिए था। चलो भाई सबसे गलती होता है, मेरे से भी हो गया, और नहीं लगेगा, लग गया। वैसे मिस होता ही है मेरा हर बार, मतलब ज़्यादा ही टाइम मिस होता ही है। अरे यार इस बार मेरे को वो लाना था, क्या बोलते उसको, सेप्टाइल को। चलो कोई बात नहीं, सुपर इफेक्टिव है डबल किक, वैसे सरवाइव कर लेगा ना तो आराम से मार लेगा। इसके अटैक को बस सरवाइव करना है भाई, एक ही अटैक में चले गया यार। ऐसा कौन सा पोकेमोन है भाई, बहुत अच्छा पोकेमोन है, इसीलिए इसने पकड़ा था। अरे पता है भाई ये वीक है, लेकिन चलो ठीक है, यही समा सकते हैं अब। रॉक स्मैश, एक बार में मत जाना बस। इसका डिफेंस बड़ा हार्ड है, लेकिन फिर भी यार एक एचपी में छोड़ दिया। वैसे यार ये पोकेमोन अच्छा है यार, मेरे को आज पता चला। चलो बहुत बढ़िया, एक एचपी में जीता मैं। वैसे मेरे पास एक और पोकेमोन था, लेकिन चलो छोड़ो। और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर हार चुका है मेरे से, आई एम गोट यार। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि तुम्हें जल्दी
वीडियो देखने को मिल जाए, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा स्कूल शुरू हो चुका है। चलो उस बात को छोड़ो, अगर तुम्हें पसंद आया तो कर देना और बाय बाय। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफान, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता है।